मेवात जिले के संगेल गांव की ऑडियो प्रकरण मामले में पुलिस ने किया मामला दर्ज। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में सतीश कुमार SHO नुहू ने कहा है कि शिकायत मिलते ही विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। ऑडियो क्लिप में जाचूका व संगेल गांव के दो लोगों के बीच सरपंच चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। बातचीत करने वाले शख्स का नाम गिरधारी बताया जा रहा है, जो जाचूका गाँव का रहने वाला है। जाचूका और संगेल गांव की एक ही पंचायत है। गिरधारी ने ऑडियो में दंगा भड़काने की साजिश के तहत इस तरह की बयानबाजी की है, जिसे सुनकर एक विशेष पक्ष के लोग बेहद आहत हैं। ऑडियो टेप में गिरधारी ने कहा है कि गांव से मुसलमानों का सफाया कर दूंगा, मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ दूंगा, अजान को बंद करवा दूंगा और संगेल गांव के खलील अहमद एडवोकेट ने अगर ज्यादा चुनाव में भाग लिया तो उसे गोली मार दूंगा। इस तरह की बयानबाजी जब सार्वजनिक हुई तो एक विशेष पक्ष के लोग आग बबूला हो गए। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुहू में इस तरह की यह कोई पहली हरकत नहीं है। इससे पहले भी कई बार कुछ लोगों ने धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और आपसी लड़ाई झगड़े को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ने का काम किया है। कुल मिलाकर एक के बाद एक लगातार साजिश हो रही है, लेकिन ऑडियो में जो शख्स आपस में बातचीत कर रहे हैं वह बार बार संगठन का भी नाम ले रहे हैं। कुल मिलाकर भले ही RSS या अन्य कोई हिंदू संगठन दंगा भड़काने या फिर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देता रहा हो, लेकिन जो ऑडियो आजकल सुर्खियां बटोर रहा है उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए संगठन भी अहम किरदार निभा रहा है। जब इस बारे में शिकायतकर्ता खलील अहमद एडवोकेट संगेल से बातचीत की गई तो उन्होंने पुलिस प्रशासन का मुकदमा दर्ज करने पर आभार जताया। उन्होंने कहा है कि भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश के अलावा सरेआम गोली मारने की धमकी दी जा रही है। कानून अपना काम कर रहा है और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। इस कंप्लेंट इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में अभी मुझे कंप्लेंट प्राप्त हुई। इस कंप्लेंट पर लीगल एक्शन लेते हुए मैं FIR दर्ज करवा देता हूँ और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो बात सामने आएगी उसके मुताबिक।